गाइस, ये हैं फल और इसकी हम सब्जी बनाएंगे। जो कच्चे हैं वो हम घर पे रख के आए हैं और जो पके पके हैं वो हम लोग खाएंगे। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं पके पके। और आप वीडियो में देखना, हम सब्जी बना के खाएंगे और ये पका हुआ खाएंगे। आंगू। चलिए अब हम इसको, सेंधे को अच्छे से धोएंगे। साफ बर्तन में रखेंगे इसको। धो करके हमने सेंधा को अच्छे से धो लिया है। अब इसको धो करके हम इसको काटेंगे। काट रहे हैं और काटेंगे इसको दो पीस में काट करके जो इसके अंदर बीज हैं उसको हम निकाल देंगे। सारे सेंधे काटेंगे इसी तरह से हम, और इसके अंदर जो बीज हैं उनको सबको बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से सारे सेंधे काटेंगे, सारे सेंधे काटेंगे इसी तरह से हम, और इसके बीज हैं वो निकाल देंगे। गैस, हमने सारे सेंधे काट लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हमने सारे सेंधे काट लिए हैं, इसके बीज निकाल दिए हैं। देखो, हमने निकाल दिए हैं सारे बीज। अब हम जोड़ेंगे मसाला, आप लोग देख सकते हैं। मसाला जोड़ रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया है 1 चम्मच सौंफ। आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। सौंफ, धनिया, दोनों चीज़ हमें ले ली हैं। और अब हम लेंगे मिर्च, आपके घर में सिलवटना है तो उससे पी सकते हैं, और अगर मिक्सी है तो मिक्सी से पी सकते हैं। हमारे घर में दोनों चीज़ हैं। और अभी हम मिक्सी से बनाएंगे मसाला, और हम छोटे छोटे टुकड़ा करके इसमें डाल रहे हैं। और 1 गंठी है प्याज की, इसको हम काट लेंगे। प्याज काट लिया है हमने, छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए हैं। अब लेंगे हम लहसुन। अब हमने लहसुन तैयार कर दिया है, मिक्सी में डाल दिया है। अब हम पीसेंगे इसको, मिक्सी में पीस रहे हैं हम मसाला। हमारा मसाला पीस करके तैयार हो गया है। अब हम सब्जी छौंकेंगे इसकी। सब्जी हमने छौंक दी है, छौंक करके पक रही है। अब हम इसको पकने देंगे धीरे धीरे, और तब तक हम आटा मार लेते हैं। हल्के हल्के बनने दो इसको। इधर हमारी सब्जी बन रही है और हमने आटा भी तैयार कर लिया है। आटे को मार करके रख देंगे, इससे फूल जाएगा और इसके बाद अच्छी रोटी बनती है। इसे को पहले से बना के रख देते हैं आटे को। तो अब हम रोटी बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। उधर सब्जी बन रही है और रोटी हम बना रहे हैं। सब्जी हमारी पक रही है, आप लोग देख सकते हैं। इसका स्वाद, इसका रंग बहुत ही अच्छा है, देखो, आप लोग देख सकते हैं। पक चुकी है हमारी सब्जी और रोटी भी तैयार हो गई है। हमारी रोटी एकदम गोल है और रोटी भी बन गई है। अब इधर सब लोग खा रहे हैं। ये अभी है, और ये हमारी सीवी है, और ये टोनू है, और ये हमारे हस्बैंड हैं। सब लोग खा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। सब
सब लोगों ने खाना खा लिया है, सब ने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बताया है, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं।